लूट और स्नैचिंग की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन पुलिस लुटेरों और झपटमारों पर सेंध लगाने में नाकाम है। लूट से जुड़ा ताज़ा मामला दिल्ली के केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के पास भी देखने को मिला। व्यक्ति के साथ लुटेरों ने लूटपाट कर 40,000 की चपत लगा दी। दरअसल पीड़ित प्रवीण कुमार सिंह अशोक विहार के परिचित और देहदानी मांगेराम गर्ग का पीए है, जो कुछ पेमेंट कलेक्ट कर वापस लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही दो लुटेरों ने योजनाबद्ध तरीके से प्रवीण को बातों में उलझाया और 40,000 रुपए लूट लिए। लेकिन जैसे ही प्रवीण को इसकी भनक लगी तो प्रवीण ने इसका विरोध किया, लेकिन लुटेरों ने चाकू दिखाकर उसे चुप कर दिया। मैं प्रवीण कुमार सिंह, आज मैं कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन से लगभग 5:45 पे निकला हूँ वहाँ से, और 5:50 की बर्दात है मेरे साथ जो घटित हुई है। दो लड़के स्कूटी पर सवार थे, स्कूटी खड़ी थी और वो दोनों लड़के जो है बैठे हुए थे, और जैसे उनका मैं मुश्किल से 5 कदम आगे बढ़ा हूँगा तो उन्होंने आवाज़ मारी, ए क्या करके गया। मैंने बोला क्या हुआ भाई। बोला तूने टच कर दी मेरे पे, चोट लगा हुआ था मेरे पैर में, मेरे को चोट लग गई। मैंने बोला भाई साहब मेरे तो आपके टच ही नहीं हुई है तो आपको चोट कहाँ से आ गई, और चोट लगेगी तो उसके लिए। मैंने बोला तूने चोट मार दी। मैंने बोला सॉरी भाई साहब, अगर आपको चोट लग गई है तो सॉरी, वैसे मेरे आपके टच नहीं हुआ है। बोला नहीं नहीं, एक लड़का पीछे से तुरंत उतरा स्कूटी से और मेरा पैर पकड़ लिया दाहिना। उसने कहा कि मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ और सॉरी आपका थप्पड़ मार के फिर पैर पकड़ लेता हूँ, जैसे ऐसे पकड़ लेता हूँ। और तुरंत उसने जेब में हाथ डाला, मेरे दाहिने हाथ जेब में, पैर के दाहिने जेब में, पेंट के दाहिने जेब में 40,000 रुपये थे। उसने तुरंत पैसे निकाला, और जैसे ही मैंने उसको देखा पैसे उसने निकाले तो मैंने तुरंत उसको किया, तो उसने तुरंत चाकू निकाल लिया। बोला चुप हो जाए, चाकू मार देंगे अभी तुरंत। और तुरंत स्कूटी बैठे और गए। उसके बाद पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, मैंने तुरंत उसी समय विद इन सेकेंडों का काम है, मैंने इस मोटरसाइकिल पर बैठा और मैंने कोशिश करी पकड़ने की ताकि नंबर नोट कर सकूँ कम से कम उसकी स्कूटी का, लेकिन वो नंबर ऐसा था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था वो बिल्कुल भी, तो वो लेकिन इस रेड लाइट से आगे वो समझ में नहीं आया किधर गए वो। इलाके के लोगों की माने तो जिस रास्ते पर प्रवीण के साथ लूटपाट हुई है वहां रोजाना ही ऐसी वारदातें होती रहती हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो पुलिस कोई कार्यवाही करती है और ना ही लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। ऐसे में लोगों को इस रास्ते से गुजरने में भी अब डर लगने लगा है। यहां तो जी डेली 5-7 वारदात होती रहती है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहाँ ये वारदात नहीं होती। इस एरिया में ये रोज की दुर्घटना होती रहती है, शाम 5 बजे के बाद में लोग लग जाते हैं यहाँ पे लूटपाट, निकलना मुश्किल हो जाता है शाम को। अब सवाल ये है कि एक ही रास्ते पर लगातार हो रही लूट की वारदातों को पुलिस आखिर रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? क्या पुलिस इलाके में बढ़ते क्राइम को रोकना नहीं चाहती, या फिर ये सब पुलिस की देखरेख में चल रहा है? ऐसी वारदातें पुलिस के काम करने के रवैये पर सवाल जरूर खड़े करती है। दिल्ली ZEE5 TV के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट।